एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज का टीओ मेरा सरंडा जंगल का हुआ है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और सरंडा जंगल जाना है तो यहाँ से 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर के बीच एक स्टेशन है बरसुआ, वहीं पे जाना है। और जो सरंडा जंगल के बारे में बताना चाहता हूँ कि सरंडा जंगल 700 माउंटेन्स का एक, अरे कहना क्या चाहते हो, फॉरेस्ट है जो कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे हम लोगों को, मुझे जाना है, आज कटियो वहीं का हुआ है, तो इसलिए मैं सरंडा जंगल मतलब बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सरंडा जंगल के बीच में है। और बहुत ही अच्छा उधर सीनेरियो है, देखने लायक सीनेरियो है। तो फ्रेंड्स, 8:30 का टीओ है मेरा और अभी बस मॉर्निंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पे रेडी होना है मुझे और निकलना है क्योंकि मेरा यहाँ से डिस्टेंस 10 किलोमीटर है लॉबी का। तो मैं 1 आवर ले करके चलता हूँ क्योंकि 30 मिनट्स पहले साइन इन करना रहता है और 30 मिनट्स मुझे जाने में लगते हैं। तो बस अभी रेडी होना है और निकलना है सरंडा जंगल की ओर। लोड में काम करना है, पुशपुल लोड, मतलब कि आगे एक लोको रहता है और पीछे एक लोको। तो आगे में हम लोग लोको पायलट और एलपी रहूँगा मैं, और पीछे एक लोको पायलट रहेगा सिर्फ। ईडब्ल्यूसीएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वायरलेस कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप एक नेटवर्क जनरेट करते हैं पीछे वाले लोको और आगे वाले लोको को, जो कि दोनों सेमी सीरीज का होना चाहिए। तो उसके थ्रू आगे वाला लोको से पीछे वाला लोको को पूरा कंट्रोल किया जाता है। और कहीं भी नेटवर्क फेल होता है तो पीछे वाले लोको पायलट ट्रैक्शन देते हैं। तो आज इसी पुशपुल लोड में काम करना है, तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं निकलूँगा बस। तो फ्रेंड्स, बरसुआ का रनिंग रूम है, सीधा ऑफ करने के बाद सीधा रनिंग रूम में चले गए। और वहाँ का देखिए, मैंने कुछ क्लिप लिया है जहाँ जिस रूम में मैं रुका हुआ था। तो काफ़ी अच्छा है रनिंग रूम यहाँ का भी। और मेरे यहाँ ड्यूटी ऑफ हो गया, रनिंग रूम हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं टेरिस का व्यू है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके चारों ओर ग्रीनरी आपको देखने मिलेगा और नीचे में भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है गार्डन को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इस जगह में आकर के, क्योंकि यहाँ चारों ओर नेचर के, मतलब सामने एक रनिंग रूम बना हुआ है बीच में, फॉरेस्ट के बीच में। तो काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ काफ़ी अच्छा रनिंग रूम बनाया गया है बरसुआ में। और मैं रात में डिनर करके थोड़ा गार्डन में ऐसे वॉक कर रहा था, तो अभी डिनर वगैरह हो गया है और अभी 9:40 हो रहा है, मतलब 21:40 हो रहा है और अभी तक टीओ हुआ नहीं है। तो मैंने दोपहर में आकर के सो गए थे, रेस्ट पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं टीओ कब होता है। टीओ गया ऑफ और अब चले घर। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा क्लिप में कि मैं रनिंग रूम में गया और वहाँ पे ऑफ करके प्रॉपर रेस्ट किया। उसके बाद वहाँ से टीओ हुआ रात को 1:45 का। उसके बाद गाड़ी का चार्ज ले करके और दिन में मैं आया यहाँ 12:30 बजे। तो 12:30 बजे ऑफ हुआ, उसके बाद मैं घर में आकर के रेस्ट करके प्रॉपर अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो ड्यूटी ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा। और मैं जहाँ गया था वो आपका सरंडा जंगल में, मतलब एक स्टेशन है बरसुआ, वहाँ पड़ता है। और ये बिमलगढ़ जो स्टेशन है वहाँ से आपका सिंगल लाइन वर्किंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक बार में एक ही गाड़ी जाएगा। जब तक गाड़ी पूरा ऊपर नहीं पहुँचता है तब तक दूसरा गाड़ी नहीं चलाया जाता है, तो सिंगल लाइन वर्किंग है। और ये जो बिमलगढ़ से इसका डिस्टेंस है 17 किलोमीटर है वहाँ, क्योंकि वो पूरा सिंगल लाइन वर्किंग है और वो पूरा डेंस फॉरेस्ट के बीच से ट्रैक को बनाया गया है।
वो व्यू बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, क्योंकि आप पूरा जंगल के बीच से पहाड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ते हैं, और वहाँ 1:100 का ग्रेडियंट है, तो वहाँ वर्किंग करने में थोड़ा अलर्टनेस भी ज़रूरी होता है उतरते टाइम। और आज का जो लोको मिला था वो WG9SC मिला था, जो कि 41 वाला सीरीज़ का था, और ये लोको बहुत ही अच्छा लोको है, सबसे अच्छा इंडियन रेलवे का, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन भी ज़्यादा है और इजीली कंट्रोल हो जाता है, तो इसमें वर्किंग करने से काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लोको में हम लोग गए थे, और आपका बिमलगढ़ से जो बरसवा हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आयरन ओर माइंस है, क्योंकि वहीं से सारा आयरन ओर और मैंगनीज निकलता है, तो हम लोग मेनली आयरन ओर के लिए गए थे, और आयरन ओर वहाँ से सारा सप्लाई होता है, राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, सेल में जाता है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ वहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, तो वहाँ से हम लोग मतलब लोड ले करके वापस, तो वहाँ से फिर रिटर्निंग हम लोग अपने हेडक्वार्टर आते हैं। तो ओवरऑल ड्यूटी काफ़ी अच्छा रहा कल का, और वहाँ पे 11 घंटे रेस्ट करने के बाद मेरी गाड़ी लगी, जो कि उधर से WG7 सीरीज़ के लोको से मैं आया। WG7 लोको था, जो कि 28 वाली सीरीज़ थी, तो वो भी लोको बढ़िया ही था, वो कन्वेंशनल लोको है, तो एज़ कम्पेयर टू WG9 3 फेज लोको के मुकाबले कन्वेंशनल लोको थोड़ा मतलब ट्रैक्शन में कमज़ोर है, लेकिन होले इसकी भी पावर सही है। तो इस लोको से मैं वर्किंग करते हुए आपको सामने दिख रहा होगा ये लोको का पिक, तो बहुत ही अच्छा कल का ड्यूटी रहा ओवरऑल। तो अभी ऑफ उप कर करके, तो मेरा एलआर आपको पता चल चुका है कि हटिया सेक्शन का है, जब मैं हटिया गाड़ी लेकर के जाता हूँ और उधर से पायलट आता हूँ, और दूसरा एलआर जो है वो आपका बरसुआ का है, तो ये दो सेक्शन में मैं अभी आपको बता दिया हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। तो और बहुत सारे भाई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब किस किस सब्जेक्ट का नोट्स बनाऊं, तो नोट्स आपको सब सारे सब्जेक्ट का बनाना होगा, जो भी आपका वीक सेक्शन है, सपोज़ कि आपका मैथ में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, और उस रिलेटेड सारा टॉपिक देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से मैं मतलब फंस रहा हूँ, तो उसका सारा क्वेश्चन लिख करके, और उसके जो फॉर्मूला या ट्रिक है नेट के थ्रू मतलब यूट्यूब के थ्रू खोज लीजिए, और हो सके तो बुक फॉलो करिए, मैं बुक वाला वीडियो का लिंक यहाँ दे दिया हूँ, वो देख लीजिएगा, तो कोई भी बुक ले सकते हैं आपको जो आपके लिए सही लगे, तो आप ले करके अपना नोट्स बनाए, और प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप डेली पढ़ेंगे तभी आपका मतलब LP एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि आने वाला वैकेंसी में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं आपका आंसर दूंगा तुरंत नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा हो लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सपोर्ट करिए, जल्दी 1K के पहुँचाना है आपके भाई के चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।